2020 हम सबको कुछ ऐसा देकर चला गया है, हमें नहीं लग रहा है कि 2021 में हम इतने जल्दी उस चीजों को भुला पाए, और वास्तव में भुला पाना संभव नहीं क्योंकि 2020 ने ऐसी हस्तियों को खोया है जो वास्तव में अगर कहा जाए तो जिनके अंदर वास्तविकता में नायकत्व तो था, वास्तविकता में नायकत्व तो था, चाहे इरफान खान जी को ले लें, किसी को भी ले लें। और सीधी सी बात जान लीजिए आप लोग बता कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रतिभाएं आगे उठी हुई हैं, जिनका नाम आगे उठा हुआ है, वो स्वयं की प्रतिभा के कारण थे और तभी उठे जब उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य किया। अपनी क्षमता के बराबर काम करने पर जैसे हम आप ऐसे ही रहे, जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करेंगे। Yes, sir. हमें नहीं लगा कि चाहे हम आपसे पहले के हूँ चाहे हमसे बाद वाले भी हमसे पहले वाले भी हमारे साथ वाले भी, ये समय जो निकला है मुझे लग रहा है ऐसा समय नहीं व्यतीत किसी के साथ हुआ। तो कम से कम हम आपको उन बातों को ध्यान में रखना होगा प्यारे साथी। जैसे हम एक रक्षा बांधते हैं हाथ में, जब ये रक्षा हाथ में मैंने बांधा, जैसे ही रक्षा हम आपके हाथ में बांधते हैं एक आस्था शब्द जुड़ जाता है। कुछ है इसमें, धागा ही तो है, लेकिन ये रक्षा जब बंधा तो रक्षा सूत्र हो गया। आप जानते हैं भगवान में आस्थाएं हमारी आपकी जीवंत हो गई। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सर ने कहा जरूरी नहीं, जो मानना है मानो, जो ना मानना हो मत मानो। आप नववर्ष की शुभकामनाएं जो लेना चाहते हैं पूरे का पूरा ले लें, जो मन करे मानसिक रूप से ले, जो मन करे आंशिक रूप से ले, जैसा आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं कि किसी आप पर्टिकुलर में आपको आपके ऊपर दबाव है कि नहीं आप नया लीजिए। वास्तव में बात तो सच है, ये नया वर्ष किस तरह का नया वर्ष है वास्तव में चिंतन का विषय है कि ना कोई परिवर्तन हुआ, ना जलवायु परिवर्तित, कुछ परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन नूतन वर्ष हम मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने कहा ही, आप सब जानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम आपका पूरा संसार है, सब एक है, कुछ अलग कुछ है ही नहीं, तो सब जब एक है तो सबकी बातें हमें माननी चाहिए, सुननी चाहिए। तो बस इतना कहूँगा साथी कि ध्यान दीजिएगा, 2020 से 21 तो हो गया, लेकिन क्या आपके जीवन में 2021 हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे ही आप यह मान रहे हो सारे चीजों भूल कर, कोरोना था फला था दुनिया भर का, आप खुशियों को 2021 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उसी जुनून और उत्साह के साथ अपनी कार्य शैली में भी परिवर्तन लाइए। जो परिवर्तन आज आप खुश होकर देख रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर फला नव वर्ष की शुभकामनाएं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उसका विरोध नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम बेटा अपने जीवन की कसौटियों में भी उनको लाए आप कि चलो आज से एक नए ऊर्जा के साथ हम, और खास करके आपके लिए यार साथी, आपके लिए कहना है आपका लास्ट ईयर है, अंतिम पड़ाव है, अंतिम समय आपका है, और आप साइंस के विद्यार्थी हो, एक छोटा सा फार्मूला आप सबको याद ही होगा, W=FD, कार्य बराबर विस्थापन, क्लियर है ना। तो सबसे बड़ी बात है, उनको भाई बस पढ़ने पढ़ाने की बात करें तो थोड़ा सा ये फार्मूला सबको पता है, सर ने बहुत बार पढ़ा बताया होगा, जानते हो यहाँ पे डी क्या बेटा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है, या डिस्प्लेसमेंट ना होगा डिस्टेंस भी हो सकता था ना, ठीक है, मतलब डिस्टेंस भी होता है, विस्थापन का मतलब समान दूरी की ही बात दोनों के साथ है, तो क्या कारण है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, डिस्टेंस नहीं हुआ। बेटा आप कितना भी परिश्रम करो जीवन में, अगर उसकी एक निश्चित दिशा नहीं है तो आप चाहे 10 घंटे नहीं 50 घंटे काम करो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए, क्लियर है। साइंस के विद्यार्थियों आपको समझा रहा हूँ, फार्मूला आपने पढ़ा है FD, बेटा जब तक आप निश्चित रूप में निश्चित डायरेक्शन में अपने बल को नहीं लगाओगे तब तक आपका कार्य कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखिए, समझ रहे हैं ना बेटा। ध्यान दीजिएगा आप लास्ट ईयर में हो, अगला पड़ाव आपका बहुत बड़ा पड़ने वाला है, अब आपके ऊपर जवाबदेही आने वाली है, अब शुरू होने वाला है समय, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, अभी तक तो फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, थर्ड ईयर था, घर वाले दे रहे थे ले जाओ, ग्रेजुएशन हो गया सर, ग्रेजुएशन के बाद समझ रहे जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब घर वाले चाहेंगे, और वास्तविकता बताएं आपको कि ग्रेजुएशन का अर्थ क्या है, अगर आप लोग अपना भरण पोषण ना कर पाओ, अपने गार्जियंस का ना कर पाओ, तो ग्रेजुएशन करने का कोई अर्थ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो। तो कम से कम मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर नहीं कर पाओ, खुद का तो खर्च निकालो, खुद का खर्च निकालना बहुत आवश्यक है, तो अपना आप लोगों को इतना ज़्यादा योग्य बनाया भी जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग बन भी चुके हो, इतने योग्य हो गए हो कि स्वयं का खर्च आप निकाल सकते हो। लेकिन साथी याद रखिएगा, एक मत बताइए कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ 12 घंटा पढ़ता हूँ, कुछ होने हमाने वाला नहीं है,
समझ रहे हो, हम लोग हैं आपके लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। सच बता रहे हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं थी हम लोगों के पास, हम लोग डिस्टेंस को फॉलो कर रहे थे ना कि डिस्प्लेसमेंट को। हम लोगों ने बहुत परिश्रम, ऐसा नहीं परिश्रम लोगों ने नहीं किया है, सब लोगों ने परिश्रम किया। सर बता रहे कई बार बेचारे इंटरव्यू तक गए उसके बाद, हम तो गए ही नहीं। हाँ अपना तो रास्ते अलग है सर, कई बार गए मैं तो साक्षात सब देख ही रहा हूँ, बताना कुछ मेरे साथ के हैं। और उन बच्चों में से हैं जो कि लिस्टेड थे, उन बच्चों में जो कि हम लोग को बाहर से लिस्ट थे, उन लिस्टेड में थे सर बता रहे हैं। लेकिन कारण क्या कि यही बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हम लोगों ने अपना जो निश्चित दिशा उसको भूल गए। वास्तव में लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों के साथ जो व्यतीत हुआ है, हम लोगों ने जो झेला है, उस अपने दुख को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज जरूर नौ वर्ष है, बिल्कुल कुछ कहने का है कतई मतलब आपको नहीं, आपको दुखी करना किसी भी पर से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बता तो है ना कि ये ध्यान दीजिए बेटा, ये डिस्टेंस नहीं, हम लोगों ने इसको फॉलो किया, मैं भी सर भी सब लोगों ने इसको फॉलो किया, यही गलती आप लोगों में रह गई। और आज देख रहे हो क्या स्थिति, आज स्थितियाँ क्या होती आप सोच नहीं सकते थे सर, हमारे साथ नहीं होते, सच बता रहे हैं आप जान लीजिएगा। बड़ा सौभाग्य हमारा है, आप तो बहुत कुछ नहीं जानते हो, हम तो जान रहे सर के विषय में, आपको बहुत जानकारी नहीं है। हम तो भाई 2009 से ही सर के साथ जुड़े हुए, साथ से ही हम लोग जान रहे हैं, तब से मुझे जानकारी है। आज 10-12 साल का समय हो गया, समझ रहे हो, इतना अथक परिश्रम किया गया है कि कहा नहीं जा सकता समय है। ये 100% कन्फर्म है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो परिश्रम है वो 100% निखरेगा, 100% निकलेगा, कहीं इधर उधर नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हम लोगों का समय बीत गया, हम लोग कुछ चाहते थे वो नहीं हो पाए, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है ना, वो टाइम निकल गया। लेकिन चैलेंज करता हूँ, नेक्स्ट ईयर जैसे आएगा ना, नेक्स्ट टाइम जो हम लोग आएगा, नेक्स्ट टाइम मतलब जब अगले बार हम जन्म लेंगे, तो 100% मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल होगा, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि परिश्रम कभी जाया नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता भाई। मान लीजिए समय एक टाइम ड्यूरेशन 25 साल तक दिया गया था, 25 साल हम लोग व्यतीत हो गए, नहीं कर पाए, लेकिन ये वादा कर किया जाता है, मैं पूरा विश्वास है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और सनातनी पूर्व जन्म में विश्वास रखता है, मुझे पूरा विश्वास है पुनः मेरा जन्म होगा, सनातनी का पूरा विश्वास है, मैं तो मानता हूँ कि पुनः जन्म होगा, पुनः हम जन्म लेंगे। और जैसे ही जन्म लिया जाएगा तो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है ना, कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं पहली बार में IAS बने, तो 100% सफलता सर के कदमों में चूमेगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ। जो वास्तविकता समझे तो आप करेंगे 100% उसी तरह लगे रहिए। गलतियां बेटा हो गई, हम लोग तो झेल चुके हैं, हम लोग तो झेल चुके हैं, तो कृपया करके मैं चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जिस दिशा में आप बेटा जो भी आपको करना हो, पहले उसको कंफर्म कर लीजिए, उसकी डायरेक्शन कैसी है, किस रास्ते मुझे कैसे जाना है, उसके बाद निश्चित करके आप वर्क करना शुरू करिए। नहीं तो कहोगे हम 12 घंटा 14 घंटा पढ़े, मुझे सफलता नहीं मिली, लास्ट में आप खुद ही कहोगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप साइंस के विद्यार्थी हो, आर्ट वाले को समझाने में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन आपको तो यहाँ अगर बेटा अभी इसी को डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कर दें, क्या होगा सर, क्या होगा नहीं इमोशनल नहीं बेटा, हमको आप नहीं जानते हो, जो जानते हो उनसे पूछो, इमोशनल होता ही नहीं, जो बहुत अच्छे से जानते हो उन बच्चों से नहीं बेटा। नहीं समय जो रहा ना, आपको बता बेटा ये तो टाइम रहा, जो आप जो प्रस्तुत करने वाले हैं हमेशा चित्र प्रस्तुत करने वालों का ही बनता है, ध्यान रखिएगा। जो पद चिन्ह बनते हैं इनके द्वारा ही बनते हैं, इनके पद चिन्हों पर ही हम लोग चलते हैं। इस बात बच्चे की हर एक सब की लाइनें होंगी और उस चेहरे को कभी भूलना नहीं चाहिए। सर ने उसकी शुरुआत वहीं से की थी, सुना रहे थे सर तभी, तो हमने कहा भाई बिल्कुल माता पिता अम्मा बापा चला था ना, यहाँ बच्चे मगन हो गए कहें पढ़ेंगे ही नहीं तो उनकी दो लाइनें उन्हीं के लिए समर्पित हैं कि जिनके दिन और रात हुए, जिनके दिन और रात हुए, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से पत्थर भी हीरा बन चमका, जिनके वरदानों से जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है, यह मेरा अभिनंदन ही तो उनका ही।